हाँ, आई थिंक पेज पे जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा बहुत समझ गया होगा। आज का मेरा टॉपिक है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स क्या होता है, व्हाट इट इज? लॉगरिदम की जो एप्लीकेशंस हैं वो बच्चे को पता है। स्टूडेंट बोलता है कि सर लॉगरिदम फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हैंडल करने के काम आता है, लेकिन वो हुआ लॉगरिदम का एप्लीकेशन। मैं अभी जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है लॉगरिदम का ओरिजिनेशन, कि लॉगरिदम होता क्या है, बना कैसे। तो पहली बात याद रखो, लॉगरिदम एक टाइप का ऑपरेटर होता है। इट इज अ ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या? ऐसा कोई भी जो कुछ काम करे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन रूट स्क्वेयर कॉस क्यूब, ये सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बार बार ऐड करने का काम कर रहा है, डिवीजन बार बार सब्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन एक बार सब्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, प्लस एक बार ऐड। यस, जिसको भी पब्लिक को मालूम हो, प्लस मतलब एक बार ऐड, माइनस मतलब एक बार सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई मतलब अगेन एंड अगेन ऐड, अगेन एंड अगेन ऐड, रिपीटेटिव एडिशन। डिवीजन, डिवीजन मतलब रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन एंड उसका काउंट के एक्चुअली कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो इस तरह से हर बंदा अपने आप में कुछ काम कर रहा है, उसी तरह बिलीव मी लॉगरिदम भी एक ऑपरेटर है जो कुछ काम करता है। स्टूडेंट बोलेगा कि सर क्या काम करता है? आप बोलते हो ऑपरेटर है, क्या काम करता है? तो इट इज समथिंग लाइक दिस। लॉगरिदम, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लॉगरिदम क्या काम करता है। लॉगरिदम मुझे पावर फाइंड आउट करके देता है। लॉगरिदम गिव्स मी द अननोन पावर। लॉगरिदम गिव्स मी द अननोन पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला 2x² इज इक्वल टू 32, कोई भी स्टूडेंट मेरे को ओपनली बोलेगा सर ये तो पता है, अगर 2x 32 है तो x 5 होगा। करेक्ट, सबको पता है कि 2x 5 32 होता है। किसी ने बोला 3x इज लेट अस से 81, तो स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू 4। किसी ने बोला 5x इज 25, तो स्टूडेंट बोलेगा मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू 2। पर हर बार तुम किसका आंसर दे रहे हो? तुम पावर का आंसर दे रहे हो। पावर कौन है? 5। पावर कौन है? 4। पावर कौन है? 2। लेकिन तुम फंस जाओगे अगर कोई तुम्हें बोलता है कि 2x इज 100। अब बताओ पावर कितनी? ऐसे में स्टूडेंट क्या सोचेगा? स्टूडेंट सोचेगा कि सर जब 2x6 किया तो आंसर 64 आया, जब 2x7 किया तो आंसर 128 आया।
अब सर ये बोल रहा है कि आंसर 100 आ रहा है, मतलब इतना तो पक्का हो गया सर कि x का वैल्यू 6 और 7 के कहीं तो बीच में होगा, इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 6 एंड 7। लेकिन एक्यूरेटली क्या होगा मालूम नहीं, वी डोंट नो। सेम वे अगर मैं बोलूं कि 5x इज इक्वल टू 500, अगेन योर नॉलेज शुड परसिस्ट, के स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे पता है 5 raised to 3 125 होता है, और मुझे ये भी पता है सर कि 5 raised to 4 625 होता है। मतलब सर मेरे इस केस में x का आंसर 100% 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। एग्री? अभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं पता। तो ये एक्यूरेट आंसर देने का काम लॉग करता है, इट डज लॉग। तो जब मैं बोलता हूं कि 2 raised to x इज 100, तो ये जो पावर होती है, पावर यानी x, ये हमेशा लॉग ही मेरे को देता है, लॉग मुझे देगा कि पावर क्या आएगी। अब लॉग के आगे क्या लगेगा, तो ये जो मेरा पावर लगाने के बाद रिजल्ट आता है वो, और ये जो नंबर है मालूम है इंडाइसेस में इस नंबर को बेस बोलते हैं, बेस, तो फ्रैंकली लॉग में भी बेस बोलते हैं, और वो लॉग और 100 के बीच में नीचे की तरफ लिखा जाएगा इधर। तो जब 2 raised to x इज इक्वल टू 100, तब जाकर हम बोलते हैं कि पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ रिजल्ट टू द बेस। सेम वे जब आपने बोला 5 raised to x इज 500, है ना, तब तुम क्या बोलोगे के पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 500 और बेस में ये वाला 5। कॉमन सेंस, इट्स वेरी सिंपल। तो ये होता है तुम्हारे बेस का मतलब, दैट इज द मीनिंग। नाउ अब ऐसा सोचो, अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरा जो बेस है, बेस वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरा बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो बच्चों ने लॉग में एक रूल किया है कि लॉग ऑफ 0 होता ही नहीं, इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहिए लॉग ऑफ 0 इज नॉट अ रियल नंबर। 0 का कोई लॉग नहीं होता, रियल नंबर तो नहीं होता, गारंटी। सेम वे हम ऐसा भी बोलते हैं कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं होता, अगेन मैं बोलूंगा रियल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स होता है। सर दोनों में आपने बेस नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग ऑफ 0 कंसिडरिंग एनी बेस, बट हां पॉजिटिव, लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर एनी बेस पर हां पॉजिटिव इज नॉट रियल। ऐसा क्यों, व्हाई इट इज, रीजन इज वेरी सिंपल। अगर तुम्हें लॉग का ये बेसिक समझा, तो तुम्हें इन दोनों के पीछे का बेसिक भी समझेगा। सोचो
मैं कोई नंबर लेता हूं ए, अब मुझे तुम एक पावर सोच के दो के इसका आंसर जीरो आ जाए। आई कैन अश्योर यू ऐसी कोई पावर होती ही नहीं है। अगर ए पॉजिटिव है तो आप ए के ऊपर ऐसी कोई पावर लगा ही नहीं सकते कि आंसर जीरो आ जाए। इवन अगर आप ए के ऊपर सपोज पॉजिटिव पावर लगाते हो ए स्क्वेयर टू, अरे तो सबको मालूम है वो जीरो तो नहीं होता, वो ए इंटू ए होता है। अच्छा, किसी ने पावर पे जीरो लगाया तो भी आंसर जीरो नहीं होता, वन होता है। अच्छा, अगर किसी ने पावर पे नेगेटिव भी लगाया ए रेस टू माइनस टू तो भी आंसर जीरो नहीं होता, वन अपॉन ए स्क्वायर होता है। यानी कुछ भी कर लो आंसर मेरा नेगेटिव नहीं आने वाला है। जब मेरा आंसर नेगेटिव आना ही नहीं वाला मतलब ऐसी कोई पावर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब नॉट इन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में ऐसी कोई पावर नहीं है। तो जब ऐसी कोई पावर ही नहीं है और हमने पीछे पढ़ा कि पावर ही तो देने का काम लॉक करता है, जब पावर देने का काम लॉक करता है और ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि वो आंसर जीरो बना के दे दे, मतलब लॉग का आंसर आ ही नहीं सकता है। इसीलिए दीज पीपल आर नॉट रियल। यही हालत सेम सिचुएशन तब भी आएगी जब तुम ऐसा बोलोगे कि ए की पावर बताओ कि आंसर नेगेटिव आए। तुम यहां देख सकते हो नेगेटिव आने का चांस ही नहीं। इसीलिए ए की ऐसी कोई पावर हो ही नहीं सकती कि आंसर जीरो आए या नेगेटिव आए। इसीलिए वी से लॉग ऑफ जीरो इज नॉट अ रियल नंबर, लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट अ रियल नंबर, है ना। हम लोग अब तक फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ते थे, ये उसके पीछे का कंसेप्ट है, बेसिक है। अच्छा, समबडी इन फिजिक्स यूजेस द लॉ के बेटा लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉग ऑफ यूवी इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ वी। अब तुम्हें समझ ही गया होगा कि लॉग का सिस्टम आता तो पावर की वजह से है। और पावर क्या सिनेरियो दिखाती है, तो देखो अगर मैं ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई करूं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों पार्टी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इंडाइसेस क्या बोलता है कि पावर विल गेट एडेड। हु विल गेट एडेड? पावर, पावर विल गेट एडेड। अरे पर पावर तो लॉग होता है, पावर देने का काम ही तो लॉग करता है ना। तो इस लाइन को ऐसे दिमाग में बिठाओ, पावर इक्वल टू लॉग, लॉग इक्वल टू पावर, पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई, इसीलिए लॉग ऐड हो गया जब तुमने मल्टीप्लाई किया। तो सेम वे तुम्हारा रूल था लॉग ऑफ यू अपॉन वी इज लॉग यू माइनस लॉग वी, ये कैसे आया? तो ये भी इंडाइसिस के वजह से आया। इंडाइसिस नहीं तो बोला कि अगर आप a रेस टू एक्स अपॉन a रेस टू वाई करोगे, मतलब डिवीजन करोगे, तो तुम्हारा आंसर a रेस टू एक्स माइनस वाई ऐसा आएगा। यानी डिवीजन करोगे तो पावर माइनस होगी, पावर माइनस होगी, तभी तो लॉग माइनस हो रहा है, पावर ही तो लॉग है।
और वो तब हो रहा है जब डिवीजन पॉसिबल है, इसीलिए। आई होप कुछ समझ रहा है। एंड देन यू हैव लॉग ऑफ यू रेस टू वी, है ना। लेकिन ये पावर सिर्फ यू पे होनी चाहिए, पूरे लॉग पे नहीं। तो लॉग ऑफ यू रेस टू वी, पब्लिक बोलती है वी लॉग यू। सर ये कैसे आया? तो इसका रीजन ये वाला है और इसका रीजन ये वाला है। देखो, सपोज मैंने तुम्हें बोला व्हाट इज लॉग ऑफ एक्स रेस टू फाइव, तो लॉग ऑफ एक्स रेस टू फाइव को कैसे लिखोगे? लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, पांच बार मल्टीप्लाई हुआ। देखो ये मल्टीप्लाई है ना, अब ये पांच मल्टीप्लीकेशंस हैं, मतलब पांच लॉग एक्स ऐड हो रहे हैं। इट इज लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। अरे जब तुम पांच लॉग एक्स ऐड करोगे तो एरिथमेटिकली वो फाइव लॉग एक्स ही तो कहलाएगा। तो डिड यू ऑब्जर्व क्या हुआ? ये जो पावर थी ये नीचे आ गई, वही यहां हुआ। लॉग ऑफ यू रेस टू वी इज इक्वल टू वी लॉग यू। ऐसे फंडे हैं और भी बहुत सारे हैं, पर एटलीस्ट मुझे आज ऐसा लग रहा था कि चलो आपको लॉग का बेसिक सिखाया जाए कि एक्चुअली लॉग होता क्या है, और लॉग के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो बिलीव मी, लॉग के हर फॉर्मूले का कंसेप्ट इंडाइसेस सिस्टम के पास है। पावर, पावर बोलते हैं ना, क्योंकि पावर ही लॉग होती है। आई होप आपको लॉग का ओरिजिनेशन समझने में हेल्प मिला। ओके, बाय।